दूं कि आप जो हैं 30 रुपीज को इनमें डिवाइड करें, डिवाइड 30 रुपीज अमंग ऑल। तो एक तो हमने आपसे कहा था कि आप इसमें ए को 1x ले लीजिए, बी को 2x ले लीजिए, सी को 3x ले लीजिए और तीनों का सम 30 रख दीजिए। एक तो आपसे ये कहा, लेकिन मैं एक आपसे कह रहा हूं कि नहीं, आप जो है डायरेक्ट जो है इसमें सिर्फ इतना कर लीजिए कि अगर आपको, क्योंकि वहां पर उसमें पूछेगा कि ए का पार्ट बताओ, बी का पार्ट बताओ, सी का पार्ट बताओ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ए जो होगा, ए का पार्ट है 1, लेकिन 1 जो है वो टोटल में से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों का सम है 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ए है 1 आउट ऑफ 6, लेकिन अब जो डिवाइड करना है वो 30 में से करना है, तो इनटू 30 कर दो, तो 6 5 जा 30, तो ए का आ गया 5 रुपीज। अब यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर ए का 1 रुपए है, रुपीज है, तो बी का 2 रुपीज है, तो बी का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि बी अब हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, और सी जो है उसका 3 टाइम्स है, तो वो हो जाएगा 50। तो इस तरह से भी हम अपना रेशियो निकाल सकते हैं कि हमारे पास सीधा सीधा सा कितना पार्ट दिया हुआ है, कितने में से दिया हुआ है, टोटल जो है वो कितना है। लेकिन अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत सिंपल होता है और इस पे डिवाइड, इस पे क्वेश्चंस भी कराता है, पहले इस लेवल पे फिर दूसरे लेवल। आपसे क्या कह रहा है कि ए इज टू बी इज 7:9, तो ए अपॉन बी जो है वो 7/9, और बी अपॉन सी जो है वो 15/7। तो आपसे कह रहा है ये बताओ कि ए इज टू सी, दो क्वेश्चन पूछता है इसमें, आपसे पूछ लेता है कि ए इज टू बी इज टू सी बताओ, या आपसे कहता है कि नहीं ए इज टू सी बताओ। तो जो ये क्वेश्चन है आपसे कह रहा है ए इज टू सी बताओ, तो इसका सबसे आसान पार्ट ये होता है कि जो आपको ए अपॉन बी दिया हुआ और जो आपको बी अपॉन सी दिया हुआ है, आप उन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए अपॉन बी दिया हुआ है 7/9 और बी अपॉन सी दिया हुआ है 15/7, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 15/9 या 15:9, ये हमारे पास हो जाएगा। 15:9 को आप कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो आंसर हो जाएगा 5:3, फर्स्ट वाला ऑप्शन। लेकिन ये तब है जब आपसे ए इज टू सी पूछता हो, लेकिन अगर आपसे ए इज टू बी इज टू सी पूछता हो तो उसका तरीका ये है, आप सब बच्चे ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी और हमें क्या दिया हुआ है बी अपॉन सी, तो इन दोनों में बी जो है वो कॉमन है, तो अगर बी कॉमन है तो बी वाले पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करते हैं कि जो बी दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेते हैं, एक जगह बी दिया हुआ है 9 और एक जगह बी दिया हुआ है 15, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ना या तो एलसीएम ले लीजिए, 9 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 45 आएगा, अगर 45 आएगा तो 9 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, अगर 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को भी करिए 5 से, और 15 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 7 को भी करिए 3 से, अब रेशो आ जाएगा 7 5 जा 35, 9 5 जा या 15 3 जा 45 और 7 3 जा 21, तो ये रेशो होगा तीनों का, ए इज टू बी इज टू सी 35:45:21, मतलब ए इज टू बी इज टू सी इज 35:45:21।
अब अगर यहाँ से आपको ए इज टू, यहाँ से दोनों आंसर आ सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी भी आ सकता है और ए इज टू सी भी आ सकता है। तो ए इज टू सी है 35:21, तो आप इसे कैंसिल करिए। क्या भाई हमारे पास हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 = 35 और 7 3 = 21, तो ये आंसर आ गया 5:3। इसे नोट करो सबके सब, ज्यादा ध्यान से। नोट कर लिया? यस सर। देखो एक क्वेश्चन है, ये वर्कशीट उस पर डली हुई है गूगल क्लासरूम पे, तो वहां से ले लेना। 71 पेजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ये देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, x is equals to 1 upon 3y and y is equals to 1 upon 2z, then x is to y is to z is equals to, x is to y is to z क्या होगा? सर ऑप्शन 3 होगा सर। चलो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे कह रहा है कि x is equals to 1 upon 3y, तो ध्यान से देख लीजिए y को इधर ले आइए। y को अगर आप इधर लाएंगे तो ये x upon y is equals to 1 upon 3 हो जाए। अच्छा आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि y is equals to 1 upon 2z, तो z को इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा, तो y अपॉन z इज इक्वल टू 1/3। तो अगेन पहले वाला क्वेश्चन हो गया, x अपॉन y 1/3 है, y अपॉन z 1/2 है, तो अब y को इक्वल करना होता। अगर LCM लेना भी ना आए तो सीधा सीधा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इसको 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1/3 ही रहेगा, लेकिन इसको 3 से करेंगे तो ये 3/6 हो जाए। तो यही हमारा आंसर, हमारा y 3 आ गया सब जगह, तो हमारा आंसर आ गया 1:3:6, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C, यानी कि थर्ड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन ये इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है x is to y is 2:3, then the value of 3x + 2y upon 9x + 5y is equal to,
तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो वैल्यू गिवन है वो ही रख देनी है बस। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 3x प्लस 2y अपॉन 9x प्लस 5y। तो आपको जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x is to y is 2 is to 3, ये आपको रेशो दिया हुआ है ये वाला। तो अगर ये रेशो दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा x को 2 रख दीजिए और y को 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x को रखिए 2 और y को रखिए 3, तो आपका आंसर आ जाएगा नीचे भी ऊपर। ऊपर आएगा 3 2 6 प्लस 6 स्क्वायर और नीचे आएगा 18 प्लस 15, ठीक है भाई 33। तो 3 से कैंसिल करेंगे 4/11, तो बी आपका ऑप्शन 4/11 इज योर आंसर। इस तरह से आपके पास नोट कर लिया? यस सर। एक एक क्वेश्चन और, आपसे क्या कह रहे हैं, 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z देन x इज टू y इज टू z। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3x is equals to 5y is equals to 4z then x is to y is to z is equals to what? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास तीनों रेशो एक साथ दिए हुए। सर ऑप्शन नंबर 2 होगा सर। वेरी गुड। 3x is equals to 5y ये हमें दिया हुआ है और मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ 5y is equals to 4z, ये मेरे पास। तो क्या करते हैं, इसको y को इधर ले आइए तो x upon y is equals to 5 upon 3 हो जाएगा, 5 upon 3। मैं दोनों तरीके से बता देता, एक दूसरा तरीका भी बताऊँ। और यहाँ से z को इधर ले आते हैं तो y upon z is equals to 4/5। तो इस तरह से आप रेशो निकाल सकते। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 एंड y अपॉन z इज इक्वल्स टू 4/5, ये मेरे पास। तो अब क्या करेंगे, y को फिर इक्वल करेंगे। y को इक्वल करने का मतलब है इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो इनटू 4 कर दीजिए और इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इनटू 3 कर दीजिए। y को सेम करना होता है तो 5 4 जा हो जाएगा 20, 3 4 जा हो जाएगा 12 और नीचे 5 3 जा हो जाएगा 15। तो ऑप्शन आएगा ये 20 12 15, तो 20 12 15 इज बी ऑप्शन। तो एक तो तरीका है ये कि हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई 3x इज इक्वल्स टू 5y is equals to 4z, ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर तीन चीजें चार चीजें एक साथ इक्वल हैं तो आप उसको इक्वल रख सकते हैं। सपोज करो k के आपने इक्वल रख दिया कि ये तीनों k के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी k/3 और y की वैल्यू आएगी k/5 और z की वैल्यू आएगी k/4, यानी कि ये सारे अपॉन में आ जाएंगे।
तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास रेशियो आएगा x इज टू y इज टू z इज इक्वल्स टू k बाई थ्री इज टू k बाई फाइव इज टू k बाई फोर, ये रेशियो आ जाएगा और k से k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आपके पास आएगा 1 अपॉन 3 इज टू 1 अपॉन 5 इज टू 1 अपॉन 4। तो अगर आप चेक करेंगे जब रेशो मल्टीप्लाई इस, ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई में दिया हो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हमें दिया हुआ था 3x, हमें दिया हुआ था 5y और हमें दिया हुआ था 4z, तो रेशो उनके रेसिप्रोकल में होगी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 4। लेकिन रेशो को कभी भी, रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेते, तो फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी ऐसे नंबर से एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 3, 5, 4 का एलसीएम आएगा, ठीक है सर, 60, तो सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 12 और ये आपका हो जाएगा 50। तो एक तरीका ये, मतलब दोबारा से इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 3x is equals to 5y is equals to 4z का रेशियो सीधा सीधा 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 4 होता है। अगर ये रेशियो होता है तो इसका एलसीएम आएगा 60, तो सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर, तो 60 बाई 3 हो गया 20, 60 बाई 5 हो गया 12 और 60 बाई 4 हो गया 50। तो शीट आपके पास है, क्वेश्चंस कोशिश कर लीजिए और मैं कह देता हूँ बीच बीच में कुछ दो तीन बच्चे ही हैं जो पूछते हैं माशाल्लाह से, कि बीच में भी एक दो क्वेश्चन वो स्नैपशॉट करके भेज देते हैं, तो आप लोग भी पूछ लेंगे, तो कल भी इंशाल्लाह इसी क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है सर? यस सर। हेलो जी सर, क्लास और हुई जी सर, अब एक चीज बोलनी थी सर। हेलो जी बोलिए सर, जो कल वाले नोट्स है ना, जो मैं बोल रहा था सर अभी, ये बीच में बोल गए थे सब लोग, वो हमारे पास जो आए ना एमबीए वाले बच्चों के पास, वो आए हैं 3:40 पर सर, तो बीबीए वालों के पास पहले होंगे, इसलिए बोलना नहीं चाहिए ना बीच में, मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना सबको। नहीं सही बात है, मैं भी सर से, नहीं मैं आपके भी प्रॉब्लम सर से डिस्कस करता हूँ, अभी बात करता हूँ सर से। नहीं सर वही मैं आपको बता रहा था ना, बीच में बोलने वाले सब लोग बीच में बोलने लगते हैं, बात नहीं, गुस्सा नहीं क्या करते, उनके पास पहले आ गए इसलिए उन्होंने बोल दिया, अरे भाई उन्होंने बता दिया हमारे पास पहले आए, तो पहले ग्रुप में होंगे दूसरे ग्रुप, इसमें गुस्से की क्या बात है, गुस्से वाली बात नहीं है सर, मैं तो बस बता रहा था आपको प्रॉब्लम, ये लोग बीच में बोल पड़े, बोलने की जरूरत ही नहीं है वैसे, तो कोई बात नहीं, बोलने बोलने दो, ये बोल का ही तो सारा झगड़ा हो रखा है, जो अल्लाह मैंने सारों को बंद कर दिया कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, नरमी अल्लाह ताला को पसंद, तो आप भी नरमी लाइए इंशाल्लाह। मैं भी सर से बात कर रहा हूँ क्लास के फौरन बाद, थोड़ा सा देखते हैं, प्लीज रात वाली क्लास की सर दिक्कत सबको हो रही है, एमबीए वाले बच्चों को, एमबीए वालों की अलग करा, एमबीए वालों की अलग करा, अरे एमबीए वालों के अलग करा देते हैं बस। थैंक यू सर, मैं बोल रहा हूं जी, मैं बोल रहा हूं, चलिए स्वामी।